शुरू कर दिया उसने भी। मैक्स इधर आ रही है, आजा आजा इधर, मैक्स मैक्स मैक्स। अब मुझे सांप की जो कैचुली दिखे ना, इतनी ज़्यादा लंबी है कि क्या ये बताऊं भाई। ओ ये आप चेक कर सकते हैं, इतना ज़्यादा लंबा ये है। इसका पट्टा देखो भाई, ये भी काफ़ी नुकीला है। कैसा लग रहा है मैक्स? बढ़िया लग रहा ना? मैक्स मैक्स तो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे आज के एक और कैंपिंग वीडियो में। तो आज की कैंपिंग वीडियो बिल्कुल ख़तरनाक होने वाला है। तो अभी के लिए मैं और मैक्स एक घने से जंगल में आ रखे हैं, तो मैक्स साथ में आ ही नहीं रहा क्योंकि इसको इधर कुछ ना कुछ खतरा लग रहा है, क्योंकि जंगल काफ़ी घना है तो ऐसे जंगल में कुछ भी खतरा हो सकता है। और ऊपर से आज की कैंपिंग सोलो कैंपिंग होने वाली है, तो देखते हैं भाई क्या क्या सीन होता है। तो जंगल तो काफ़ी ख़तरनाक है और उससे ख़तरनाक है हम जो कि ऐसे फॉरेस्ट में कैंपिंग करने को आ रखे। और मैक्स पे एक चीज़ आपने चेक करा होगा, इस पे जो पट्टा होता ना वो बांध दिया, क्योंकि आजकल इधर तेंदुओं का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से मैक्स पे आजकल पट्टा हमने बांध दिया, जिससे कि कोई भी जानवर मैक्स पे हमला करेगा तो ज़्यादा असर नहीं होगा। क्योंकि जानवर का आपने देखा होगा, लेपर्ड हुआ टाइगर हुआ सबसे पहले गले पर अटैक करता है। कोई भी जानवर होता है वो सबसे पहले गले पर अटैक करता है, तो इसीलिए गले पे हमने पट्टा भी बांध दिया। तो अभी के लिए जल्दी जल्दी से पहले कैंपिंग लोकेशन पे चलते हैं, बाकी मैक्स काफ़ी एक्टिव हो गया पहले के हिसाब से, तो जिधर को भी मैं जाता हूँ उधर की साइड पहले चलना शुरू कर देता है। उसको पता चल जाता है कि मैं इधर की साइड आज कैंपिंग करने जाने वाला हूँ। तो आज की कैंपिंग थोड़ा सा ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यहाँ पे गुफाएं भी हैं जहाँ पर कि जंगली जानवर रहता होंगे। तो अभी के लिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सोलो कैंपिंग है तो जल्दी जल्दी से पहले लोकेशन भी ढूंढना होगा। यहाँ पे सांप की कैंचुली है, देखो भाई पूरा सही सलामत है। तो आजकल बरसात के मौसम में ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा खतरा भी होता है। सांपों का खतरा अलग होता है और जंगली जानवरों का खतरा अलग होता है। तो यहाँ पे मुझे सांप की जो कैंचुली दिखी ना, इतनी ज़्यादा लंबी है कि क्या ये बताऊँ भाई। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इतना ज़्यादा लंबा ये है और ये चेक करो। और यहाँ से अंदर गुफा के लिए जा रखा है, तो इसके अंदर पता नहीं कितना ज़्यादा और लंबा होगा, इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो मैं ये कैचुली चेंज करने का प्रोसेस चलता रहता है, और इस प्रोसेस में सांप को बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, लेकिन यार आजकल ना खतरा बहुत ज़्यादा होता है। बरसात के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है, कीड़े मकोड़े देखने को मिलता है, सांप वगैरह देखने को मिलता है, जंगली जानवर देखने को मिलता है, तो ऐसे में कैंपिंग में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है आजकल। तो अभी के लिए ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी से आगे के लिए निकलते हैं। बाकी मैक्स तो सामने बैठ रखा, मैक्स मुझे छोड़कर आगे भाग गया, तो मैं भी जल्दी जल्दी से पहले कैंपिंग लोकेशन पर चलता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। चेक करो मैक्स यहाँ भाग कर आ गया और मुझे अकेले छोड़ के, मैं वहाँ पे सांप के कैंचुली की वीडियो बनाने लग गया और ये बिल्कुल भाग कर आ गया आगे, और यहाँ पे पत्थर पे बैठ रहा मस्त करके। तो इसका पट्टा देखो भाई, ये भी काफ़ी नुकीला है, ये थोड़ा सा पुराना है लेकिन सेफ्टी के लिए बिल्कुल सही है ये। तो इसके लिए भी नया पट्टा भी बनाने को देना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल नुकीला हो, धारदार हो। बाकी ऐसा करते हैं गाइस, अभी के लिए निकलते हैं जल्दी जल्दी से आगे के लिए, क्योंकि बारिश वाला मौसम बन रहा है, क्योंकि पूरा मौसम इधर चारों ओर फॉग फॉग उड़ का है। तो जितनी जल्दी लोकेशन सेलेक्ट करूँगा, टेंट का सेटअप करूँगा, उतना मेरे लिए सही रहेगा। चल मैक्स चल आ जाओ, चल भाग क्यों रहा है, साथ साथ में चल।
गाइस कैंपिंग लोकेशन पर हम पहुंच गए, तो यही वाला लोकेशन आज सेलेक्ट करा है। तो वैसे मैं नीचे भी कैंपिंग लोकेशन सेलेक्ट कर सकता था, लेकिन यार नीचे पूरा गुफा वाला इलाका है, तो उधर सांप वगैरह हो सकता है, क्योंकि मुझे सामने पे सांप की जो कैंचुली होती है ना वो भी दिखी है, वो भी इतना ज़्यादा लंबा है उसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आधा ही हिस्सा उसका बाहर आ रहा है, बाकी हिस्सा गुफा के अंदर था। तो इधर ना बहुत सारे सांप होंगे, क्योंकि बहुत ही खतरनाक गुफा वाला इलाका है ये, और जंगली जानवरों का खतरा अलग से हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये वाला लोकेशन आज सेलेक्ट करा है। और बाकी मैक्स भी पहले ऊपर भाग गया था, क्योंकि मुझे लगता है कि उसको भी नीचे खतरा लग रहा है। तो अभी के लिए ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी से पहले टेंट का सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि मौसम बारिश वाला बन रहा है, बारिश के शुरू होने से पहले जल्दी से पहले टेंट का सेटअप कर लेते हैं। मैक्स भागना नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भागना, भाग गया तो तेरे और मेरे दोस्ती बिल्कुल ख़त्म। ये देखो अब सो गया बिल्कुल बढ़िया करके। टेंट भी मेरा बढ़िया सा पिच हो गया, तो ये रहा अपना टेंट, तो इसी में आज पूरी नाइट सरवाइव करना है। तो अभी के लिए जल्दी से टेंट के अंदर सामानों को डालते हैं, बढ़िया करके सामानों को सेट कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे खाने पीने की तैयारी करते हैं। बाकी इधर की साइड देखो, मौसम हर दो मिनट में अपना रंग बदल रहा है, कभी धूप लग जा रही है, कभी पूरा बादल बादल वाला मौसम हो जा रहा है। तो ऐसे करते हो कि जल्दी जल्दी से टेंट के अंदर सामानों को सेट कर देते हैं। बाकी मैक्स बढ़िया करके सुर्ख है, तो मैक्स के लिए मैंने ये डंडा यहाँ पे ज़मीन में गाड़ रखा है, और मैक्स को इस पर बांध रखा ताकि इधर उधर ना भागे। तो इधर की साइड लेपर्ड का बहुत ज़्यादा खतरा आजकल, तो इसीलिए मैक्स पे पट्टा भी लगा दिया, तो मैं नहीं चाहता कि मैक्स इधर जंगल में कहीं फिर से भाग जाए और उसको खतरा हो, इसलिए मैंने यहाँ पर मैक्स को अच्छे से बांध दिया। तो अपना फिट हो गया, तो आपको जल्दी से पहले अपना प्यारा सा रूम चेक कराता हूँ, जहाँ पर कि मैंने आज पूरी नाइट सर्वाइव करना है। काफ़ी प्यारा टेंट यहाँ पे पिच किया है मैंने, तो ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और चारों साइड से बिल्कुल कवर हो रखा है। तो यहाँ पर मैंने तिरपाल भी बिछा रखा खुद के लिए सोने के लिए, जिससे कि मेरा स्लीपिंग बैग या कंबल गीला ना हो। बाकी ये आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी प्यारा रूम है, तो बैठने के लिए भी सही हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन पूरी गीली हो रखी है, तो ऐसे में कपड़े भीगेंगे नहीं। तो टेंट का पूरा सेटअप कुछ इस तरह का है, तो यहीं पास पूरी नाइट मैंने सरवाइव करना है। बाकी मेरे साथ यहाँ पे मैक्स भी है, तो मैक्स भी आज देखते हुए पूरा साथ देता है या नहीं देता है मेरा कैंपिंग में। गाइज अब फाइनली लकड़ियाँ भी आ गई है, चूल्हा भी मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया, तो अब आग जलाने की तैयारी शुरू करता हूँ। और चूल्हा काफ़ी प्यारा बना रखा मैंने, तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे छोटा सा गड्ढा करा था, जिससे कि जो गीली मिट्टी होगी ना ऊपर से वो हट जाएगा और आग आसानी से जल जाए। बाकी आप लकड़ी को सेट करते हैं चूल्हे में और बढ़िया करके आग जलाते हैं, और उसके बाद डिनर तैयार करते हैं। बाकी मैक्स को देखो भाई, क्या मस्त करके सो रखा है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। तो गाइज फाइनली लकड़ियाँ मैंने बारीक बारीक करके इसमें सेट कर दिया, क्योंकि अगर बारीक लकड़ियाँ आग पकड़ेगी तभी जाके आग बढ़िया सी जलेगी यहाँ पे। तो अब आग जलाना शुरू करते हैं। तो गाइज फाइनली लकड़ियाँ भी मैंने सेट कर दिया, और बढ़िया करके आग जल गई अपनी यहाँ पे। तो लकड़ियाँ थोड़ी सी गीली हो रखी है, तो इस वजह से आग जलाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अब ऐसा करता हूँ कि कुछ पीने के लिए बनाता हूँ बढ़िया सा। मैक्स को देखो भाई,
ये हर बारी ना बस सोता रहता है। मैक्स देखो जैसे मैक्स बोला उठ गया एकदम से। तो अब ऐसे करते कि चाय बनाने की तैयारी करते हैं। तो गाइस अब गर्मा गर्म चाय के यहाँ पे मजे लूँगा। तो मौसम बारिश वाला हो ऐसे में चाय पीने में थोड़ा सा अलग ही मज़ा आता है। और बारिश तो आई नहीं अभी तक और चारों साइड बिल्कुल फॉग फॉग वाला मौसम हो रखा है। तो किसी टाइम पे हल्की हल्की धूप भी लग जा रही थी लेकिन अब शाम का समय हो गया तो अब तो धूप क्या ही लगेगी। तो चारों ओर बिल्कुल बादल छा रखे हैं। तो गाइस ये क्या अपनी चाय पत्ती और अब लेंगे हम यहाँ पे बिल्कुल गर्मा गर्म चाय का मज़ा। तो देखते हैं भाई कितनी देर में चाय तैयार होता है। बाकी चाय पत्ती डाल दिए और आग बिल्कुल बढ़िया सी जल रखी है। तो मैं सोच रहा हूँ चीनी भी डाल देता हूँ चाय पत्ती के साथ साथ ताकि चीनी भी अच्छे से गल जाए और चाय पत्ती का भी पूरा कलर आए। तो इस टाइप का टेंट मैं खुद के लिए पहली बार यूज़ कर रहा हूँ तो आज पूरी नाइट इसी में सर्वाइव करना है। मैंने अभी चाय के उबलने का वेट कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे बैठ के व्यू को भी इन्जॉय करूँगा। जो बादल जो है जो मूवमेंट कर रहे इधर से उधर उधर से इधर, तो चाय पीते पीते उस व्यू का मज़ा लेंगे इसके बाद। तो गाइस फाइनली चाय तो बढ़िया से उबल गया था और अब मैंने इसमें दूध डाल दिया। तो अब चाय रेडी होने ही वाला है, बस चाय का इंतज़ार है और फिर यहाँ पे मस्त बैठ के नज़ारों के साथ चाय का मज़ा लूँगा। तो सामने का नज़ारा इतना प्यारा लग रहा है आपसे, बिल्कुल अलग लेवल का। और मैक्स को देखो भाई, मैक्स बिल्कुल सो रखा है। मैक्स मैक्स क्या हो गया, क्यों उठा रहा भाई मुझे है? सोच रहा हो पता नहीं क्यों उठा रहा भाई, मस्त नींद आ रही है इसको बिल्कुल ख़तरनाक वाली। बाकी देखते हैं कितनी देर में चाय रेडी होता है और फिर मस्त बैठ के व्यू के साथ चाय का मज़ा लेंगे। मैक्स को इतने सारे बिस्किट खिला रखा मैंने, अब तो बिस्किट को बिल्कुल सूंघ भी नहीं रहा है। तो गाइस फाइनली चाय बन के हमारा तैयार हो गया मैक्स, और अब मस्त करके यहाँ पे चाय का मज़ा लेता हूँ। और सामने का नज़ारा आप चेक करोगे, सामने का नज़ारा इतना तगड़ा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ। तो गाइस अब चाय का बिल्कुल बढ़िया सा मज़ा लेते हैं यहाँ पे और लग से इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पे से। और अभी फिर से हल्की हल्की धूप आ गई थी तो मौसम का यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। किसी टाइम पे धूप लग जा रही है और किसी टाइम पे मौसम पूरा चारों साइड से बादलों वाला हो जा रहा है। तो अभी के लिए ऐसा करते हैं सामने बैठते हैं और मस्त करके चाय का मज़ा लेते हैं। ओ भाई गिर गया। गाइस सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर तो भाई धूप नहीं लग रही, सामने वाली पहाड़ी पर ना मस्त धूप लग रही है। मैक्स भी अब नज़ारे को एंजॉय करने लग गया है। कैसा लग रहा है मैक्स? बढ़िया लग रहा ना? ये देखो भाई, हाँ हाँ बोल दिया इसने। मैक्स बोल रहा होगा फिर से कहाँ लेके आ गया मुझे आज, लेकिन मेरे साथ वैसे खुश रहते हैं, जैसे मैं आता ना तो मेरे पीछे भागना शुरू कर देते हैं ये। आज मैं कम से कम इधर के साइड में 20-25 दिन बाद आया तो जैसे इसने मुझे देखा सीधे मेरे यहाँ झपट गया ये। तो गाइस अब फाइनली डिनर बनाने की तैयारी करते हैं। तो आज कुछ नया बनाने वाले हैं, वैसे मैंने पहले कभी नहीं बना रखा, पहली बार इस चीज़ को ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो देखते हैं भाई कैसा बनता है। बाकी मैक्स से नज़रें अभी टेंट के पीछे की साइड है तो मुझे इधर कुछ खतरा लग रहा है भाई, कुछ हो सकता है क्योंकि उधर ही को देख रखा हूँ। मैक्स ओ क्या हो गया, कुछ है क्या, कुछ है? तो इसकी नज़रें ठीक टेंट के पीछे की साइड है, जिस साइड को पूरा जंगल वाला इलाका है ना इधर की ओर। बाकी यार मैं चॉपिंग करके फिर मस्त से डिनर बना के जल्दी जल्दी से टेंट के अंदर चले जाता हूँ।
टमाटर खाएगा। तो मैक्स बोल रहा होगा तुम्हारे ड्रामा रोज चलता रहता है, मुझे तुम सोने दो बढ़िया करके और मस्त करके फिर से लेट गया है। एक डॉग साथ में होना ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी फील होती है भाई। फिर टमाटर थोड़ा सा रास्ते में आते आते ना बैग में पिचक गया है, तो इसलिए थोड़ा सा सही से कट नहीं पा रहा है। गाइज फाइनली चॉपिंग वाला काम पूरा हो गया, तो अब ऐसे कि बनाने की तैयारी करता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे आग जलाता हूँ बढ़िया करके, मैक्स को इधर कुछ ना कुछ खतरा लग रहा है, वो अभी तक ये टेंट के पीछे था और अब इधर की साइड देखने लग गया हमारी साइड को, तो मुझे लगता है कि इधर की साइड जो लेपड़ का खतरा है ना आजकल, तो वो हो सकता है। गाइस अब ऐसा कि बनाना शुरू करते हैं, चॉपिंग वाला काम अपना पूरा हो गया है और कढ़ाई भी मैंने चूल्हे में रख दिया, तो टेंट लैम्प को जो है कि यहाँ पर टांग देता हूँ ताकि दूर से ही नज़र आ जाए। ये पड़ा गाइज अपना ऑयल, तो अब ऑयल के गर्म होने का वेट करते हैं। और आज मैं बनाना वाला हूँ पोहा, तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं गाइज कैसा बनता है और जैसे बनेगा मैनेज कर लूँगा, बाकी टेस्ट आपको ज़रूर बताऊँगा। तो देखते हैं कितने देर में अपना ऑयल गर्म होता है। मैक्स मैक्स ले ले, मैक्स तो बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड कर रहा है, लेकिन जब बनाऊँगा ना बढ़िया करके तो फिर इस चीज़ को खाए गए। इधर कुछ हो सकता है भाई, अचानक से मैक्स एक्टिव हो गया। कुछ ना कुछ तो है भाई इधर। देखो भाई जो कुत्ता कभी नहीं भौंकता है वो शुरू कर दिया उसने भी, उसने कुछ तो है भाई। ये जगह मुझे सेफ नहीं लग रहा, यहाँ पर खतरा हो सकता है। क्या हुआ, कुछ है क्या? कुछ ना कुछ तो है भाई। क्या हो गया? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मत डर, डर मत। तो गाइज इधर कुछ ना कुछ जानवर है भाई, इसीलिए मैक्स इतना ज़्यादा हल्ला करने लग गया आज। वैसे तो ये भौंकता ही नहीं है भाई, पहली बारी मैं इसको ऐसे, मुझे भी इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा भाई। आज बहुत गंदा फंसने वाला हूँ मुझे जहाँ तक लगता है।
ज़्यादा खतरा हो सकता है भाई आज, क्योंकि मैक्स इतना ज़्यादा एक्टिव कभी नहीं रहता है। बहुत बारी देखा है मैंने, जब भी मैक्स को साथ में लेकर आता हूँ मैक्स हमेशा सो जाता है, ना तो कुछ मूवमेंट करता है, बस सोता रहता है। लेकिन पहली बारी भाई मैक्स इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है। देखो आजा ऊपर आजा। ये देखो गाइस, इधर आ। ये जगह मुझे सेफ नहीं लग रही है, मैं सही बताऊं तो। और मैक्स देखो भाई, मैक्स इतना ज़्यादा एक्टिव हो रखा है, पहली बारी मैंने कभी सोचा नहीं था भाई। मैक्स तो आ जाएगा वापस, मुझे पता है थोड़ी देर में, लेकिन यार मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ऊपर से मैंने आज सबसे लो क्वालिटी का टेंट जो है ना, मैं उसको ले कर रखा हूँ यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए, और जिस पे कि यहाँ पे दरवाज़ा भी नहीं है। इधर ही घूम रहा है भाई मैक्स, कुछ ना कुछ हमारे टेंट के आसपास है भाई यहाँ पे। क्या हो गया, इधर आ, ऊपर आ, ऊपर आ। ये देखो आजा आजा इधर आ, मैक्स 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 इधर आ। ये देखो कुछ तो है भाई इधर, लेकिन क्या चीज़ है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ जानवर है भाई इधर। तो मेरी भी हालत ख़राब होने वाली है भाई, पहली बारी मैक्स को इतना ज़्यादा एक्टिव देख रहा मैं, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे खाना बनाने की पूरी तैयारी हो गई थी, ये देखो यहाँ पे पोहा तैयार है, प्याज टमाटर सब कुछ काट के तैयार है। क्या किया जाए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और मैं यहाँ पे अकेला फंस गया हूँ। सबसे बड़ी बात तो है कि अकेले यहाँ पे सरवाइव करना है, और ऊपर से मैक्स इधर उधर चक्कर मारे जा रहा। इस जगह का मुझे पहले से अंदाज़ा तो था, लेकिन इतना ख़तरनाक होगा इतना नहीं था। कुछ जानवर है भाई इधर पीछे, मैक्स चलेगा उसको भगाने, और कुछ बड़ा जानवर रहता तो मैक्स नहीं जाता। मुझे लग रहा है ये मैक्स के लेवल का जानवर भाई, जिसको मैक्स आराम से मार देगा। लेकिन कुछ ना कुछ है भाई, मैक्स इतना ज़्यादा एक्टिव कभी नहीं रहता भाई, इतना हल्ला कभी नहीं करता है। आपने देखोगा दिन भर सोता रहता है, वो कैंपिंग में भी आता है तो। लेकिन पहली बारी भाई मैक्स इतना ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। गाइस मैक्स तो वापस आ ही जाएगा, क्योंकि वो इधर उधर ही चक्कर मार रहा है। तो यार मैं डिनर तैयार भी कर लेता हूँ, और फिर देखूँगा मुझे आगे क्या करना है। तो जल्दी जल्दी से खाने के लिए डिनर बनाता हूँ, और मैक्स का इतना एक्टिव होना पहली बार ही देख रहा हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि इतना ख़तरनाक मूवमेंट मैंने कभी नहीं देखा है मैक्स का आज तक। और ऊपर से अब तो मुझे भी सच बताऊं तो डर लगना शुरू हो गया। ये पड़ा मेरा टमाटर और लाल मिर्च, मुझे लगा मैक्स अब टेंट से बहुत दूर चले गया है, क्योंकि उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही। तो खाना बनने के बाद मुझे एक बारी उसको ढूंढने भी निकलना पड़ेगा अभी। तो गाइस नमक भी डाल देता हूँ, क्योंकि टमाटर अपना अच्छे से गल गया है। तो यार यहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे अब, और जल्दी से पहले डिनर तैयार करता हूँ, और फिर मैक्स को ढूंढने भी जाना है मुझे अभी, और वो भी आगे जंगल की ओर, क्योंकि मैक्स को ऐसा छोड़ना सही नहीं लग रहा मुझे। देखो मैक्स की आवाज़ बहुत दूर आ रही है अभी, और मुझे लगता है मैक्स टेंट से बहुत दूर चली गई है। तो जल्दी जल्दी से डिनर को तैयार कर देता हूँ मैं, और फिर मैक्स को ढूंढने निकलता हूँ। और ये पड़ गाइस अपना पोहा, जो कि आज के डिनर में यहाँ पे बनने वाला है। गाइस फाइनली पोहा अपना तैयार हो गया है, तो अब इसको साइड निकाल देता हूँ मैं, और फिर यहाँ पे मैक्स को ढूंढने निकलता हूँ, क्योंकि मैक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई मिलने।
अब तो मैक्स को ऐसे ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन यार जंगली जानवर से कुछ भी खतरा हो सकता है उसको, तो इसलिए सारी लकड़ियाँ यहाँ पे जलाने को डाल दूंगा, जिससे कि जब तक मैं मैक्स को ढूंढ के आता हूँ यहाँ पे कोई भी जानवर ना आए आग की वजह से। मैक्स मैक्स इधर कोई तो गया था यार। मैक्स 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 कहीं भी नहीं दिख रहा यार। मैक्स मैक्स यार मैक्स यार इधर आ रही है। मैक्स 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 भाई चप्पल भी छूट गया। मैक्स 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 गाइस मैक्स की आवाज इधर से आ रही है। मैक्स गाइस मैक्स की तो बहुत जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही पीछे की साइड, और अभी मैं वहाँ पर से इधर को भाग कर आ गया। मैंने वहाँ पर आग वगैरह फेंका, पत्थर वगैरह फेंका, लेकिन यार पता नहीं कौन सा जानवर है, क्योंकि इधर लेपर्ड का खतरा बहुत ज़्यादा है आजकल। अभी टेंट से लगभग 500 मीटर दूर आ गया मैं भाग के, लेकिन यार मैक्स जिंदा है या क्या है कुछ भी पता नहीं है। उसके गले पे वैसे तो पट्टा बांध रखा है, लेकिन यार फिर भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अभी यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे छोटा सा गुफा जैसा बन रखा है, तो इसके नीचे मैं यहाँ पे बैठ रखा है। ये देखो भाई यहाँ पे पानी भी निकल रहा है हल्का हल्का दीवार से। पूरी नाइट तो मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, और हल्की हल्की बारिश लगनी भी शुरू हो गई है अभी। तो यार मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी से आगे के लिए निकलना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा गाइस,